Assalamualaikum. IMK Toys Block में फिर से एक मरतबा आज है 14 तारीख. आज हम लोग जा रहे हैं सलवार शरीफ. आप देख सकते हो माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं. 9:40 हो चुका है. अभी जा रहे हैं नीचे नाश्ता करने. बच्चे लोग तो सो रहे हैं. आधे घंटे में उठ गए लोग भी फ्रेश होके निकल जाएंगे. गाड़ी हम लोग ने बुक कर दी है. बहुत अच्छे रेट में हुई है अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, तो जो भी रहेगा आज की जर्नी इंशाल्लाह आपको बताएंगे. IMK Toys Block लेफ्ट में है अभी फिलहाल. बैठे हैं. पूरी भाजी के लिए बोला गया है. आएगी अभी पूरी भाजी. देख सकते हो कि हमारे होटल का रेस्टोरेंट है, तो पूरी भाजी खाएंगे. फिर उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं क्या करना है. कैसे सलवार शरीफ आ चुकी है हमारी पूरी भाजी. ये देख सकते हो आप क्या प्राइस की है भाई. ये कितने की है? 90 रुपये की है भाई. कल हम लोग ने खाए थे वो 40 रुपये की थी. ये 90 रुपीज़ बट क्वालिटी है अच्छी है. पर भाजी लोग बहुत देते हैं भाई. तो एक पूरी भाजी मंगाने का और एक्स्ट्रा पूरी मंगा लोगे ना 10 रुपये वाली. 10 रुपये की एक पूरी है. तो आपका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है. टेस्ट बहुत अच्छा हो गया. तो अपन ने बुला लिया अभी एजाज भाई को. आजा खा ले अगर खाते हैं तो. जो भाई पैसे लगे है ना, पैसे बहुत मेहनत से आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो वेस्ट मत करो, आप लोग भी खाना. एजाज भाई भी आ चुके हैं भाई. पूरी अगर एक दो लगी तो ले ले. आते तो मैंने पूछा किचन तुम्हारा है कहाँ का है. पक्का चेक करूँगा मैं आके. देखते जाके तो भाई ने चाय भी लेके आ गए थे. चाय बेहतरीन है भाई, एक नंबर चाहिए. पूरी भाजी भी एक नंबर है. चाय भी ऐसा ला के देता है, बेस्ट है. दिल्ली गेट के लिए वहाँ पर गाड़ी खड़ी है. बेचारे का फोन पे फोन आ रहा है. देख सकते हो सामने बुलंदरवाजा है. हम लोग आए अंदर से. अभी तक तो मेरी फैमिली आएगी. 3-4 फोन आ चुका पहुँच चुके हैं. इसको बोलते हैं दिल्ली गेट. ये देखो सामने. और बहुत अच्छे प्राइस में हमारी गाड़ी हो गई खाली 3500 रुपया. हालांकि मेरा दोस्त आया था उसकी फैमिली लेके, तो उससे ही नंबर लिया था. उन लोग भी फैमिली लेके ही आए थे अभी 15-20 दिन पहले. तो 3500 रुपये में सलवार शरीफ सांभर शरीफ दोनों जगह आ चुकी है हमारी. देख सकते हो आप. इसी में बैठ के जाना है हम लोग को. ओके, तो इंशाल्लाह सलवार शरीफ में जो भी होगा. देख सकते हैं सांभर शरीफ के लिए हम लोग निकल चुके हैं. ये हमारी गाड़ी है. सीधा अभी यहाँ से सांभर शरीफ जा रहे हैं हम लोग. इंशाल्लाह अगर उस बीच में कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ इंशाल्लाह ताला. सब चटनी वगैरह. भाई अपने इधर का एड्रेस क्या रहता है? पुलिस लाइन. और नाम आपका? गोपीनाथ. देख सकते हो भाई खूबसूरत कचौड़ी हो गया. लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था भाई. मैं खाया नहीं क्योंकि मेरे को चलती है नहीं, इस वजह से. बहुत खूबसूरत थी और बहुत टेस्ट है. अब पी रहे हैं चाय. ये सामने चाय वाला मिलेगा आपको, देख सकते हो आप. और भाई काफ़ी खूबसूरत चाय है. कचौरी वाले के लिए पुलिस वाला गेट है. ठीक है, और यहाँ पर है ये कचौरी वाला. ये देख सकते हैं किशनगढ़ एयरपोर्ट. ये देखो सलवार शरीफ आप जब जाओगे ना तो ये किशनगढ़ एयरपोर्ट चालू हो गया भाई. ये माशाल्लाह चालू भी हो चुका है. यानी यहाँ से फ्लाइट से उतर के भी अपन अजमेर जा सकते हैं. तो कितना लेते हैं भाई यहाँ से अगर अपन फ्लाइट से उतर के जाएंगे तो गाड़ी करके अजमेर शरीफ? ₹1000 लेते हैं. 1000 रुपये में अजमेर शरीफ. माशाल्लाह भाई का नंबर डालूंगा मैं, देखना इंशाल्लाह. क्योंकि रेट इनका रिजनेबल है अल्हम्दुलिल्लाह. और एसी नॉन एसी दोनों है ना अपनी गाड़ी में? भाई एसी का अलग होगा भाई और नॉन एसी का अलग है. दोनों प्राइस अलग अलग रहेंगे इंशाल्लाह. तो जैसा भी रहेगा आपको इंशाल्लाह जरूर. तो माशाल्लाह जैसे हम लोग सांभर शरीफ के लिए जा रहे थे, रास्ते में हाईवे मिला. गुड लुकिंग था रास्ता वगैरह, काफ़ी खूबसूरत था माशाल्लाह. देख सकते हो आप बहुत अच्छा हाईवे था. लेकिन गर्म इतना ज़्यादा था भाई कि मैं आपको क्या बताऊँ. इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है. रास्ते में जैसे हम लोग जा रहे थे तो मार्बल की एक बहुत बड़ी कंपनी आती है जिसका नाम है RK मार्बल करके. काफ़ी बड़ी है वो कंपनी, बहुत अच्छा है. और वहाँ पर तिरंगे का झंडा भी है, देख सकते हो आप. सबसे महंगा मार्बल वहीं मिलता है, आप देख सकते हो माशाल्लाह. मैंने रिकॉर्ड पूरा अल्लाह का करिश्मा देखो कि पूरा का पूरा सल्ली, जैसे बर्फ़ की सल्ली होती ना उससे भी डबल टिबल जाड़ा होता है. पूरा पत्थर होता है. फिर यहाँ पर हर जगह पर आके पूरा कटिंग वगैरह सब होता है. और 35 से 40 किलोमीटर हमको चलना था, काफ़ी लंबा था, देख सकते हो आप माशाल्लाह. जैसे हम लोग हाईवे पे जा रहे थे, हाईवे एकदम क्लीन था, बट हमारी गाड़ी 90 की स्पीड से ज़्यादा चल रही ही नहीं थी. तो देख सकते हैं हम लोग जैसे जा रहे थे तो पूरे रोड पे बकरे थे जो किसान लेके घूमते रहते. यही माशाल्लाह बकरा इतने अपने पास माल आता है. 15 से 20 किलोमीटर बाकी था तो रेलवे ट्रैक आया, वहाँ पर क्रॉसिंग थी.
तो हम लोग ने ट्रैक क्रॉस करे तो मैंने बोला भैया ज़रा आराम से आगे पीछे देख के गाड़ी वगैरह नहीं आवे। तो फाइनली गाइस हम लोग सांबर शरीफ पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बुलंद दरवाज़ा, ये हमारी यहाँ से एंट्री करे हमने, माशाल्लाह खूबसूरत लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम आया था इसलिए मुझे इतनी मालूमात थी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग पहुँचे तो ज़ोहर का टाइम हो चुका था, तो हम लोग वज़ू करके नमाज के लिए तैयार हो गए। सांबर शरीफ की ज़ियारत हो चुकी है, आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत सुकून मिला भाई, बहुत ठंडा है यहाँ पर माशाल्लाह। 10-15 मिनट बैठ के भी यहाँ से निकलेंगे हम लोग सलवार शरीफ, देख सकते हैं माशाल्लाह। देखो नियाज आ चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे हम लोग सांबर शरीफ पहुँचे मैंने देखा काफ़ी खूबसूरत दरगाह थी, तो मेरा बोलना यही है कि आप जब भी जाओ अजमेर शरीफ तो सांबर शरीफ और सलवार शरीफ भी जाए, क्योंकि काफ़ी कम पब्लिक आती है, सांबर शरीफ में तो काफ़ी कम है। इरफान भाई क्या बोल रहे, सब ठीक ठाक? हालत डाउन हो गई है गर्म से, पानी भर रहे, ठंडा पानी देख सकते हो आप माशाल्लाह। ये मज़ार सांबर शरीफ भी आइए, सांबर शरीफ भी जाइए, क्योंकि अपने को थोड़ी बार बार मौका मिलता है आने का। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ज़ियारत हो गई हमारी, देख सकते हो आप ये पूरा एरिया जो है सांबर शरीफ का ही है माशाल्लाह। ज़ियारत वगैरह भी चल रही है देख सकते हो। ये देखो माशाल्लाह ज़ियारत वगैरह हर चीज़ चल रही है, सब दिया है यहाँ पर। फाइनली गाइस हमारी सांबर शरीफ की ज़ियारत वगैरह सब हो गई, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा मेरा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।